अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बर्गर। पनीर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ एक पैन रख दिया है गैस पे, और गैस के फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच तेल। आप चाहें तो इसमें वनस्पति घी भी डाल सकती हैं, बटर भी डाल सकती हैं। मेरे पास तेल था तो मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, बारीक काट लिया है इसको हमने, वो डाल देते हैं इसी में। हल्का सा सॉफ्ट कर लेती हूँ प्याज को। इसी तरीके का हमें प्याज रखना है, ज़्यादा नहीं इसे पकाना है हमें। अब इस प्याज में मैं डालती हूँ ये 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इस मिर्च को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है इसको भी। अब इसमें मैं डालती हूँ 2 बारीक कटे हुए टमाटर जिनके बीजों को मैंने निकाल लिया था। इसे भी हमें सॉफ्ट करना है बस 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो हमने तीनों चीज़ों को बढ़िया से भून लिया है। 1 से 1.5 मिनट तीनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। 2 से 3 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें। 1 चम्मच डालती हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें बढ़िया सा कलर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, और थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ मैं पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम चला के मिक्स कर लेते हैं। रेड चिली सॉस 1 चम्मच डाल दिए, 1/2 चम्मच और डालेंगे इसमें। ये 1/2 चम्मच और डाल रही हूँ इसमें रेड चिली सॉस। ये रेड चिली सॉस है, ये देखिए। अब दूसरी चीज़ इसमें जाएगी टोमेटो केचप। अब इसमें जाएगी मेन चीज़ पनीर। ये 150 ग्राम हमने पनीर लिया है और छोटे छोटे पीसों में इसे मैंने काट लिया है, देखिए। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पनीर को मिक्स कर दिया है सभी मसालों में। आप सभी चीज़ों को हम 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेते हैं। अब ये हमारा पनीर मसाला तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं हम बर्गर। बर्गर वाले बन तो इन्हें हम 2 पीसों में इस तरीके से काट लेते हैं छुरी से। ये मैंने एक खीरा लिया था, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है बारीक बारीक, ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ इसमें खीरा लगाएंगे इस तरीके से। अब लगाते हैं इस पे हमने जो पनीर मसाला बना के रखा है वो इस पे रख देते हैं हम इस तरीके से। थोड़ा सा खीरा और इसके ऊपर से डाल देते हैं हम। बहुत टेस्टी बर्गर बनकर तैयार होगा ये। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं और हल्का सा प्रेस कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस कर देते हैं। तो बर्गर को सेकने के लिए मैंने तवा रख दिया है यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। इसे इस तरीके से फैला लेते हैं, तेल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसको हम इसमें सेकने के लिए रख रहे हैं। इस तरीके से इसको सेकेंगे, हल्का सा इससे चिमटे से हम प्रेस कर देंगे इसे। तो ये एक तरफ से सिक चुका है, अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेते हैं इस तरीके से। बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने यम्मी लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं बर्गर हमारे। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये। आप भी इसी तरीके से बनाएं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसका मज़ा लें आप घर बैठे।